थोड़ी अस्सलाम शी राज क्या हाल चाल है सर क्या है बॉस कैसे हैं सर आप जबरदस्त मजा आ गया पैसे वसूल हो गए आपके पैसे वसूल हो गए भाई ये होता है सर एक 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 दिन में दो जबरदस्त गेम के

बन रहे थे मगर भाई कल तो रोहित भाई का दिन था यार स्टार कहाँ था स्टार थोड़ी आया था था खेल रहा यार <laughs> <laughs> यार मतलब क्या ऑफ का छक्का तो क्लासिक, क्लासिक। है। उफ, मजा आ गया कोई फर्क नहीं पड़ा भाई नहीं नहीं सारी टीम भाई इंडियन व्यूअर्स कंग्रेचुलेशन बहुत बेहतरीन विक्ट्री लाइक फुली रिजर्व पूरी टीम छा गई थी और आ, अक्षर क्या कैश लिया भाई ओह oh, यस yes. तुमने तो मैच ही पकड़ लिया वो कैश नहीं पकड़ा था मैच पकड़ा था ah, कि देट मतलब, uh, हेड हाँ, बैटिंग इनको तो अब लास्ट भी उसने लास्ट वर्ल्ड कप में भी बाहर करा दिया हेड तो भाई इंडियन के लिए हेड नहीं हो गया गब्बर हो गया गब्बर आएगा <laughs> और ट्रॉफी ले जाएगा तो भाई जब तक तो वो खेल रहा था सबकी हालत टाइट थी बाकी पुरानी पुरानी यादें ताजा हो रही थी लोगों को कि ये फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे दस ओवर में उन्होंने ठीक ठाक के साथ लेकिन वो मार्श आउट हुआ और फिर वो कुलदीप क्लासिक कुलदीप भाई क्या बॉलिंग कर, बॉलर है भाई जबरदस्त हम यही बात कर रहे थे कि इसको लेते नहीं है समझ से बाहर है कि कुलदीप तो परमानेंट बंदा होना चाहिए जडेजा भाई को बिठा दो कुछ नहीं कर रहे वो यूज भी नहीं कर रहे है उसको क्या कर रहा है वही तो कह रहा हूँ मैं उसकी जगह के लिए खिला लो कुलदीप को भाई जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही है कुलदीप को खेल रहा है वेस्ट इंडीज में उन्होंने सही जगह हाँ, हम भी यही बात कर रहे थे कि शायद उसको वेस्ट इंडीज में है और ऐसे ही हुआ है लेकिन उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग बॉलिंग की बड़ी अच्छी करी यार सब भाई बुमरा भाई मैं आपसे ये तो कह रहा था ना कि टीम कॉम्बिनेशन जिन टीमों का नजर आ रहा है आपने कल उन दोनों टीम की परफॉर्मेंस देख ली दो टीमों के नाम लिए थे मैंने इंडिया और वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान और आपने देख लिया आते अफगानिस्तान पे वो तो थोड़ा लंबा डिस्कशन है इंडिया बात करते हैं तब से पहले बता तुम्हारी वेस्टइंडीज बाहर हो गई <laughs> आ सॉरी उस यार उसने बात ही नहीं की तो अरे हाँ सॉरी 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 भाई सिराज भाई जीत गए वो सब सिराज मत कोई नहीं थी भाई हाँ मतलब लाइक यू नो शिराज भाई ग्रीन टीम जीत गई ग्रीन टीम आ गई है दूसरी तरफ से हार्ड लग हो गई यार उनके साथ हार्ड <laughs> लग हो गई उनके साथ मैंने कहा था हम बॉलिंग नहीं अच्छी बारह लाइक कल जो है ना मुझे यार मुझे ऑस्ट्रेलिया समझ नहीं आई कल कल यू नो लाइक क्या नहीं समझ आई लाइक like इस पूरे टूर्नामेंट में आप उनकी परफॉर्मेंस देखो जो अफगानिस्तान से मैच आ रहे हैं वो तो उन्होंने लाइट लिया हुआ था स्टार को बिठाया तो तफरी कर रहे थे तफरी कर रहे थे और गले में आ गई वो स्टार को बिठा दिया कि नहीं रेस्ट करो तो हमें इंडिया में खिलाएंगे इनको तो हम मार देंगे और फील्डिंग क्या कर रहे थे उस मैच में अगर आप देखो कितने कैसी मतलब इससे ज़्यादा पैथेटिकल फील्डिंग मैंने नहीं देखी थी उनकी कभी जिंदगी में ऑस्ट्रेलिया की यार आप बात कर रहे हो यू नो like they are the standard, they are the one that creates the standard अब ओ, भाई अब चेंज हो गया अब इंडियंस कर रहे थे फील्डिंग वो वाली भाई नहीं मैंने आपसे बोला भाई इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया यार वो जो March ने कैच ड्रॉप किया है हार्दिक का वो कितने 20 25 रन बना के गया 27 रन वो डिफरेंस वही डिफरेंस था गेम में देखिए का पांड्या के भाई मैं बता रहा हूँ ना पांड्या बिग मैचों का प्लेयर है मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं ठीक uh, है जो भी उसकी बातें आउटसाइड ऑफ़ द फील्ड और जो भी दूसरे सीन है मगर जब परफॉर्मेंस की बात आती है सर बॉलिंग में बैटिंग में फील्डिंग में तीनों में भाई भाईयों और uh, सब पूरी टीम परफॉर्म कर रही है और सेट सही तरीके से भाई जिस तरह मारा है ना रोहित ने दिल खुश कर दिया मतलब मतलब खुशी हो रही थी यार, और और लगा मतलब आप ये देखो कि यार आप उसकी फिटनेस पे बात करते हैं उसके पेट पे बात करते हैं उसकी इसकी बात करते हैं भाई जितने डेढ़ सौ फिफ्टी माइल्स के बॉलर को मार रहा था इतने मजे से कि कोई हद ही नहीं है भाई कोई बात ही नहीं है आई थिंक स्टार्ट ने वो एक ही ओवर ख़राब कराया जिसने उसकी सही की झाड़ लग झाड़ पड़ गई इसके। कितने उसने में अपनी जिंदगी में सबसे रन दिए कुछ इस तरह का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में दिए वर्ल्ड लेकिन लेकिन वो जो उसने मारा है ना सही पकड़ पकड़ के

इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सही तरीके से पछाड़ा नहीं आप तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है वो एक भाई ने लिखा था कमेंट के अंदर कि जो है फ़िक्र नहीं करें आप ये नॉकआउट गेम नहीं है ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब होनी चाहिए हमसे तो आ, नाम बोल रहा हूँ भाई का मैं लेकिन एग्जैक्टली ही वॉज़ राइट कि इंडिया बिल्कुल छा गया भाई सब बंदे ने फुल परफॉर्मेंस दी मेरे ख्याल से एक आखिर में उसका ने कैच छोड़ा उसके अलावा तो पूरा गेम जबरदस्त खेला है आप देखो तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया ने कोई मैच अगर थोड़ा सा भी खराब खेला है तो इन पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला है जिसमें वो थोड़ा सा नहीं स्कोर कर सके या शे की नहीं, नहीं वो भी थी थी। थी। बॉलर तो आपके अच्छे हैं भाई वो, वो, वो हमारा वा वा मैच था मेरा कहने का मतलब ये है ट्राई भी नहीं कर रहे थे शुरू में जब उन्होंने देखा कि एकदम हमारे वाले ने क्रॉस खेल के बोल्ड हुआ और देन दे नेवर नेवर लेट लेट यू नो अस कम बैक बैक केम इन द गेम कल ऑस्ट्रेलिया के पास पूरे पूरे मौके थे अब मैक्सवेल जब आया था तो लग रहा था वो ऑस्ट्रेलियन मैक्सवेल लग रहा था लेकिन वो जब आउट हुआ है तो लगा कि वो आईपीएल वाला मैक्सवेल हो गया वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैक्सवेल अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी लग रहे थे उसने क्या किया वो चलता हुआ क्या टहला गार्डन में वो रोहित कहता है ना गार्डन में टहला मतलब <laughs> वो चलता हुआ आ रहा है क्रॉस खेल रहा है वो भी कुलदीप को कुलदीप को लाइक मैंने कहा भाई क्या सोच रहा था अच्छा आप देखो मतलब कोई टेक्निक नहीं है उनके पास भी वो बेसिकली बस घुमाने वाले हैं वो जो भी है उसने गेम पूरा कंट्रोल किया हुआ था उस वक्त जब ओवर हेड खेल रहे थे

तो वार्नर भाई थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस आई येस बड़ा एक आपने भी एक ज़माने में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की मुझे ज़रूरत पड़ी थी तब आप नहीं चले <laughs> कल तो अक्षय ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की भाई तीन ओवर बेहतरीन बना कराया उसने नहीं अच्छा ऑलराउंडर है वो हाँ फील्डिंग भाई फील्डिंग कैच देखा तो वो बैटिंग भी तो कर लेता है वो सब कुछ तो कैच इज़ वन मैच बॉस बात करते हैं दूसरे मैच में सर पूरी साढ़े बारह बजे रात तक सब जाग रहे थे हम लोग इतना लंबा मैच तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कि क्या 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 था क्या, चल क्या रहा था चल रहा वो <laughs> पहले तो ये कि सर वो ऑस्ट्रेलिया विकेट पर मुझे समझ नहीं आया कि विकेट में कुछ प्रॉब्लम थी बैटिंग जब वो लोग कर रहे थे आखिर में राशिद के तीन छक्के नहीं लगते पिच क्या थी वो, वो कहाँ जा रही थी किधर पड़ रही थी पता नहीं क्या चल रहा था एक सौ कितने बीस बारह कन कितने कर अफगानिस्तान को मगर आखिर के वो तीन छक्के और राशिद बल्ला मार देता वहाँ जो तो रन नहीं भागा वो मतलब वो हो क्या रहा था वहाँ पे वहाँ से टोन सेट हुई पूरे मैच की राशिद था वो अगर हारिस होता तो जूते के भागता पीछे हाँ <laughs> वो, <laughs> वो उसके बाद यार जो कल बॉलिंग देखने को मिली है ना सर मैं कहता हूँ बॉलिंग kind of थी यार मतलब यारंग्लादेश ने तो ट्राई भी नहीं किया मतलब तो तुम एक देखो तुम्हारा डू डाई सिचुएशन है भाई तुम भाई बारह ओवर में जीतना है गो फॉर द किल हार गए तो हार गए ना हार अभी भी तो हार ही हो पर एटलीस्ट ये होता कि यार दस ओवर में पूरी टीम आउट हो गई नब्बे रन किए थे दस रन से हार गए ट्राई किया भाई सबको पता है अफगानिस्तान की बॉलिंग कैसी है आपके पाँच छः ओवर में पचास साठ रन थे आप दस के रन से चल रहे हो और फिर उसके बाद जब वो आए लतिन दास क्या कर रहे थे वो तो रिजवान लग रहे थे मुझे मुझे तो ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आया कल जो ये दूसरा जो गेम हुआ है पहले अफगानिस्तान तो बिल्कुल मुझे जो लगा अब मेरी ओपिनियन है भाई लोग बहुत डरा हुआ था बड़ी उनकी हालत टाइट थी इतने बड़े प्रेशर मैच के लिए अंदर उनकी हालत ख़राब थी क्योंकि यहाँ तो पहुँचे नहीं कभी वो तो स्लो स्टार्ट था और वो नहीं उस तरह खेल रहे थे जिस तरह खेलते हैं उनके दोनों ओपनर जो हैं और वो दिख रहा था उनके उस पर जो है ना आई थिंक उनकी स्ट्रेटजी ये थी अगेन जॉन ट्रॉट को भी अगर आप देखो उसका भी टाइम जब इंग्लैंड में गुजरा है बड़ा ही केयरफुल स्लो पेस खेलते थे वो भी नहीं उनको

लेकिन इंटेंट का वर्ड हमारे यहाँ नजर आ रही थी हमारे वाले इंटेंट थी वो कुछ हो नहीं रहा था यार यार बात करना चाहूंगा यार जो राशि की कल बॉलिंग थी यार आप देख रहे हो बारिश हर दो दो मिनट के बाद हो रही है बॉल स्लिपरी है ऑफ द फील्ड इतना वो है राशिद की बॉलिंग नहीं बॉल। खाली कैप्टनसी भी बहुत ज़बरदस्त थी जान लगाई हुई थी बंदे ने फुल बिलीव दैट्स हाउ यू प्ले मैन ही बिलीव्ड के हम जीतेंगे तो बहुत ज़बरदस्त यार मुझे इस मतलब थोड़ा अगेन आप यू नो मुझ पर कामेंट में नमक मार देना शुरू कर देना मगर एक ज़माने में हमारी ऐसी बॉलिंग होती थी यार कि सकलैन या सईद अजमल एक एंड पे ऐसे ही टेल एंडर्स को फंसा रहा होता था और हमारे सीनियर बॉलर्स टेल एंडर को ऐसे ही कह के आउट कर रहे होते थे बेसिकली वो देखने को मिला मुझे कल थोड़ा सा फ्लैश में चला गया था मैं जिस तरह से मैंने देखा यार वो राशिद की जो बॉलिंग थी ना मतलब लिटरली कह के आउट कर रहा था यार वो लग रहा था कहने की बात नहीं है समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी समझ कौन सी दुगली है कौन सी लाइक ब्रेक है समझ ही नहीं आ रही थी उन लोग को समझ को छोड़ो कि बांग्लादेश बैट्समैन कर क्या रहे थे वो अब आप शकीफ को देख लो अभी आते हैं ना उस पर भी आप पहले तो मुझे बताओ कि अगर आपको आउट ही होना है मार के तो आप बारह ओवर में मार के आउट हो खत्म हो जाओ I mean, आप फिर मुझे अंदाजा सही है कि आप बारह ओवर में हार गए आपने कोशिश की नहीं बने आपसे अगर आपको जीतना ही था ख्याल आया कि आप रोक लो मतलब अजीब अजीब घुमा रहे थे उल्टी पुलटी मतलब बैट्स घुमा रहे हैं बोल्ड हो रहे हैं कैच हो रहे हैं बाउंड्री पे धड़ाधड़ धर, चला जा रहा है दूसरा आ रहा है वो भी घुमा है भाई क्या कर रहे हो और महमूद तो मुझे लग रहा था छड़ी लेके आएंगे चलने के लिए यार एक तो तुम किसी भी उम्मीद थी उनको <laughs> मतलब मुझे तो हंसी आई जब आप आते हो और फिर बाहर जाके इतनी बातें करते हो इतनी बातें करते हो कि आपसे बड़ा कोई ऑलराउंडर ही नहीं है कई साल पहले रिटायर हो जाए आपका एक्सपायरी डेट बहुत अरसे पहले पास हो चुकी है सर होता है आपके भी नहीं हो रहे मतलब

बहुत वही तो कह रहा हूँ भाई प्लान क्या था कितने आउट होने के बाद आपने रुकना था दो आउट तीन आउट चार आउट के बाद अब हमें मैच जीतना है क्या ये ये प्लान, प्लान था कुछ प्लान, प्लान ही कोई नज़र नहीं आ रहा था <laughs> ये तो मसला है ना मतलब प्लान क्या है या तो आप जाओ बारह ओवर में आउट हो खत्म हार गए हम मुझे समझ आ गई बात आपने कोशिश की आपको मैं एक और चीज़ पूछूंगा वो जो अभी आना उस पर मैं भूल जाऊंगा वो जो आपके दास भाई थे वो जब कौन था तंजीम था कौन था वो सातवें आठवें नंबर पे जो आया है

चलो जो अच्छी बॉल है समझ में आती है आप तो हर बॉल को ही डिफेंस के चले जा रहे थे मुझे समझ से बाहर था मेरे क्या हो रहा है वो भाई कोशिश कोशिश तो करो ना भाई नहीं थी दिमाग में मतलब कॉम्पिटेटर्स वगैरह सब यही कह रहे थे कि भाई ट्राई तो तो कर लो तुम तो करीब आके जा रहे हो आठवें नंबर का तुम्हारा सा प्लेयर खेल रहा है बॉलर तुम सिंगल ले रहे हो उसको स्ट्राइक दे पहली बॉल पर सिंगल पहले क्या कर रहा है वो भी सिंगल लेके वापस आए फिर सिंगल ले लिया पहली पहली बॉल पे सिंगल या I mean, आई मीन तो यही हुआ ना उतना तो दो हाँ। दो बॉलों में दो निकाल दिया आपके यप दो तीन बॉलों पे और यहाँ पर मैं एक और कहने जाऊंगा यार जो इनका ये फजल फारूक की करा रहा है यार भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर एक ही बंदा है जिसकी स्विंग हो रही है पता नहीं मुझे लगता है अफगानिस्तान को पिक्चर्स ही बड़ी अच्छी मिल रही हैं इनके मतलब की मिल रही है मतलब लाइक फुल इनके मतलब की पिच थी यार इनके पास हर वैरायटी है भाई अगर आपकी स्पिन विकेट है तो इनके पास स्पिनर है आपके पास फास्ट विकेट है तो इनके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर यार आठ नौ बंदे तो बॉलिंग करते हैं इनके यहाँ मैं वो बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ अगर प्योर बैटिंग पिच नहीं आई कहीं पर भी फुल इनको मतलब की चोरी मिली है जो इनको वेस्ट इंडीज़ ने हराया था वो बैटिंग पिच थी पूरी भाई कैसा मारा वेस्ट इंडीज़ ने मारा ना

काड़मा इज़ इज़ अ थिंग यू नो कि अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा करने को जिनके इनके साथ ज़्यादा होता ही है ये जब थोड़ा सा होशियारी करते हैं वहाँ हार जाते हैं इन्होंने आसिफ के साथ पंगे लिए थे वो मैच हार गए हमारे नसीम शाह हीरो बन गए वहां पर इन्होंने उससे पर राशि ने यू, आउट करके यूँ यूँ कर दिया था तो वहाँ पर वहाँ अपने छक्का मार के मैच जिता दिया था जो इमाद ने तो इनके साथ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये मैच हार जाते हैं और मुझे लगा यार ये फिर से क्यों करो तुम्हारा जीता हुआ मैच जहाँ टक वट में जरा सा आगे होते थे अगली बार वो विकेट आती थी वो जीतता नहीं था भाई बांग्लादेश वालों को जीतना ही नहीं था मैच कल तो पता नहीं मैं कह रहा हूँ समझ ही नहीं आता कर क्या रहे हो या मारो मरो या आराम से करके मैच जीत जाओ राइट मतलब आप मुझे बताओ अब अगर मैं हूँ बांग्लादेश की टीम में तो मैं कहूँ कि मैं इनसे हारूँ और फिर इनको नेक्स्ट राउंड में ही भेज दूँ हाँ सेमी फाइनल में वाई मारो उनको या तो हराओ हराना नहीं है तो कम अज कम तुम कोशिश करो साइफ नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आउट हो जाओ साढ़े बारह बजे तक आपने हमें जगाया

नजर आ रहा था भाई कि वो लगा हुआ कि अभी ये क्योंकि देखो ये क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं इसमें जरा सी भी गलती होती है ना मैच हार वेस्ट बांग्लादेश का तो मुझे पता ही नहीं क्या पहली चीज तो कोच कौन है और दूसरा कोई बा, बा, बात नहीं कोई स्ट्रेटजी नहीं कुछ नहीं था यार नहीं तो कर मैं नजर रखी हुई थी कि कहीं राशेद भाग जाकर ना आ जाए <laughs> <laughs> चेक कर रहा था वह बाउंड्री के बाहर ही <laughs> लेकिन इट वाज रियली फनी अजीब सा गेम हो गया था आखिर में बॉलिंग देखने को में बहुत मजा आया मतलब अफगानिस्तान ने कल यार की बात करें आप देखो फारूक गुलबदीन गुलब्दीन गुल ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर किया यार चार विकेटें लेके अच्छा नबी स्पिनर पर आ जाओ नबी राशिद नूर अबे नूर तो खतरनाक बॉलर है भाई अभी तक अंडर चल रहा है वो उसकी चाइना में उसकी लाइक उसकी जो रेगुलर बॉल है वो ए, ही इस, ही इज वाज अमेजिंग कल उसने सिर्फ एक शॉट खाया वो जो लेग पे उसने मारा ने आ, स्वीप उसको। उसके अलावा कोई शॉट नहीं दिया उसने दास भाई ने गेम खराब किया मैच जिताना चाहिए था इतना लंबा खेले तुम जब खेले तो आपको जो जो है इतनी बॉलें खेली आपने सिर्फ दो बाउंड्री का गेम था बहुत मैच जीत गए थे आप दो बाउंड्री और मार देते मैच वॉर एक दफा दस पंद्रह रन रह जाते ना तो वो भी समझ जाते रन कितने से तो मैं कह रहा ना आपके बारह आप बॉलों पर नहीं बन सके जीतने नहीं आया नहीं, नहीं क्या पोजीशन पे लाके अपना अपना खड़ा कर दिया था आपने बॉलिंग अच्छी की फील्डिंग अच्छी की बांग्लादेश वालों ने फिर बैटिंग पता नहीं क्या हो गया वही हमारा वाला हलो नहीं नहीं बॉलिंग नहीं नहीं आ, आपने सही बात करी ना कि भाई सोच के जाओ कि यार हमें गो किल करना है हमें बारह ओवर में मैच जीतना फिर आउट, आउट, आउट हो जाते हुआ उसमें भी तुमने वो एक नहीं कर पाया थोड़े से अच्छा फिर इस मौके पर आप ढड़क चेक करते हो आप अपने पोजिशन सही रखते हो आप बोलते हो यार मुझे इस तरह से खेलना है यार आज कल की टीम नहीं हो आप भाई

लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच था भाई अफगानिस्तान को फुल या, नहीं, या अब आपके पास सर चोकर्स 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 हैं 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 और क्या मतलब हैं? सही में हैं साथ और क्या क्या मतलब फाइनल खेल रहा है में आपके साथ अंदर की खबर दे रहा हूँ <laughs> 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 <या, या। laughs> राशिद ने हैट्रिक कर दी मालूम है तो ऐसे हो रही है कल राशिद भी थे बिल्कुल तीन तीन चार चार हैट्रिकें है हो चुकी हैं एक दफ़ा एक मैच एक टूर्नामेंट में भाई समझ से बाहर है मुझे अच्छा मैच होगा सर कल और अगेन आप एक चीज़ नोट करो अफगानिस्तान कितना थकावा आ रहा है कि बैक टू बैक एक मतलब बेसिकली एक दिन के बीच में उन्होंने दूसरा मैच खेलना है नो गुरबाज इंज की क्या इंजरी की क्या कहानी है कहाँ तक पहुँची है वो आम श्योर ही मस्वी प्रॉ वो भाई आज आपने तस्वीरें देखते हैं अब अफगानिस्तान की जो शहर की तस्वीरें आई हैं यार उसकी समझ में, नहीं आया के वो में क्या बोल अगर, आ, उनकी literally... नहीं नहीं बहुत जबरदस्त था और जहाँ और हम लोग के लिए हमारे मुल्क वालों के लिए लेसन है भाई देखें हम लोग बोलते रहते थे कि क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं आ रही जिस जमाने में नहीं हो रही थी देखें इनकियाँ नहीं हो रही है सर है ही नहीं जज्बा देखें आप जज्बा दिल से खेलते हैं और दूसरा यार कोई ग्राउंड नहीं है ट्रेनिंग नहीं है दुबई uh, uh, में खेल रहे होते हैं इंडिया में खेल रहे होते हैं पाकिस्तान में होते हैं तीन चार जगह खेल लो अपने मुल्क की बात थोड़ी डिफरेंट होती है अपने फैंस डिफरेंट होते हैं अपनी चीजें डिफरेंट होती हैं शुक्र है उसके बैट नहीं लगा मसला हो जाता वरना किसके राशि डाके <laughs> मुझे तो वो याद आ गया था यार वो एक दफ़ा यही सीन किया था उसने लक्ष्मण ने इंडिया के टेस्ट मैच में लोगों को याद होगा कमेंट्री में आप कमेंट करके बताइएगा बड़ा मशहूर है वो यू आप यूट्यूब पे देखेगा वो नहीं भागना था और वो भागने लगा था और कई सीन हुए लेकिन ये बैट जो फेंकाना वो तो मार देता उसको हमारे भी एम्पायर को आप, आप, वो, मैं, मैं हमारे भी एम्पायलो रेड कार्ड होने चाहिए भाई दिखा दो बाहर मगर आप कल एक चीज नोट करें राशि चीख रहा था बैटिंग में भी बॉलिंग में भी यही हमारा कैप्टन एक करता था जिसको इन्होंने चीखता करके बातें करता है और करके बाहर तो, कर तो दिया भाई हमारे यहाँ की रोहित भी करता है जहाँ कि रोहित को कुछ करना होता है हमारे यहाँ का काम ही ऐसा है कि सर यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट हमारे डंडे के लेवल पे ही काम होता है भाई आप देखो अगर आप डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हो कल फजल फारूकी ने वो जो चौका रोका था जो नवीन की बॉल पे कट लगा था आखिर में सर आप ज़रा रीप्ले जा देखें वो देखा जिस तरीके से उसने बॉल पकड़ के फ्लिप होकर उठ के बॉल फेंकी है ना

अगेन हम इतनी बार बात कर चुके हैं होता है भाई ये सब करते हुए आज सुनने में आया वो बाबा एयरपोर्ट पर आए तो किसी ने तस्वीर भी नहीं ली उनके साथ छह सिक्योरिटी गार्ड के साथ आए गाड़ी मार के चले गए कुछ ही बंदे ने उनकी तरफ तो तो देखा नहीं बहुत आवाज तक नहीं मारी उनको जीत के नहीं आए ना जीत के आएंगे तो फिर करेंगे कह, कहने का मतलब ये कि भाईरली जो है लोगों ने इनको बोल दिया भाई फारिग करो डन विद कुछ नहीं होने वाला बॉस तो फिलहाल शाहीन बट शाहीन की जो नाम निकाल के टीम बनाई है देखी सुना आपने शाहीन की टीम का तो बेसिकली एक पता नहीं कितने लड़कों की टीम बना रहे हैं वो जाएंगे बांग्लादेश उसके अंदर सारे नए लड़के हैं और वो शाहीन कैप्टन होंगे शाहीन उनका नाम रखा शाहीन अच्छा like, शाहीन हाँ शाहीन यू नो जा रहे हैं बस बोइंग बोइंग की तरह वो बोइंग वाला हाल होगा कैप्टन रिगार्डिंग शाइन्स कैप्टनसी वो कैंपेन चल रही है एक साइड पे मगर अभी तो किसका कोई नजर आया नहीं है आ, बस आ, मगर ये कि सर वंस अगेन जबरदस्त भाई फाइनल आई थिंक इंडिया को तो अब एक ही गेम खेलना है बस अब तो बारिश अगले मैच में <laughs> फाइनल खेलना है भाई यार मगर देखो ना इंडिया को अभी तक तो किसी ने चैलेंज दिया भी नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया ने खेला अच्छा बारह ओवर के बाद ना समझ में आ गई थी पचास रन चाहिए उनको फिर आखिर रन तो बहुत ज्यादा बन ऐसा था था। इतने क्लोज लेवल पर नहीं आया था नहीं लेकिन वो उस वक्त जब मार्च खेल रहा था और वो हेड और हेड खेल रहा था उस वक्त जो है गेम फसा हुआ हाँ। था उनका फसा हुआ था इवन जब मैक्सवेल आया उसने भी गेम संभाल लिया था मगर सर पंद्रह ओवर के बाद सोलह ओवर के बाद वे रन चाहिए थे साठ बॉलों पर कुछ ऐसे ही बनते हैं बॉस आठ विकटे बाकी थी ऑस्ट्रेलिया बनाएगा तो कौन बनाएगा पहले ओवर में उसके बुमरा के चौदह रन आ गए थे भाई नहीं, मारना हाँ, उनको इवन अक्षर के भी ओवर में, तो में रन बने भाई वो कुलदीप ने जो पहले ओवर में चार रन दूसरे ओवर में चार रन जो उसने दिए ना उसने गेम हमेशा ही करता है वो यार समझे उसने फसाया गेम तीसरे ओवर में भी उसने कितने सात रन शायद दिए उसमें नौ रन उसमें भी एक छक्का था वो भी हेड ने छक्का मारा कुलदीप को तो भाई कुलदीप तो भाई अलेवन में होना चाहिए भाई एक दुनिया में किसी टीम में भी वो ग्यारह में बनता है भाई लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ तो दिन भी बाहर बैठा है जायसवाल बाहर बैठा है कौन कौन बाहर बैठा हुआ जिम्बावे की टीम आई है इंडिया की वो उसमें गिल भाई कैप्टनसी जा रहे हैं सारे अच्छा। बैठे हैं गिल कैप्टन होंगे गिल भी नहीं है टीम में पता था गिल भी नहीं और विजय अभी सुनने में आया था कि गिल को तो इतना शायद डिसिप्लिनरी के उस पर बाहर किया हुआ था कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि ही वाज जस्ट नॉट ट्रैवलिंग विद विद टीम अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि

मैच हो यार मैच यार, होना चाहिए वैसे इन्होंने रिजर्व डे नहीं दिया मुझे नहीं पता रिजर्व डे क्यों नहीं है अच्छा, देखो इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया था कि हम इस ग्राउंड पे खेलेंगे क्या मतलब हम हमने बोल दिया था इंडिया ने बोला था कि हम सही तो हमें ऐसा भी होता है ऐसा हुआ हमसे तो कोई नहीं पूछता

भाई अपने आपको ऐसा पावर हो तो ऐसी हो भाई। ये आप को बनाओगे तो ऐसा होगा ना भाई के मैं ये भी, भी हाँ? <laughs> <बेसिक्री उन्हें बोला laughs> सुबह मैच यहाँ पे कल रात को है परसों सुबह सुबह मॉर्निंग साढ़े सात बजे मैच यहाँ पे हो रहा है बेहतरीन टाइम है ऑफिस के बाद हाँ हमारे लिए अच्छा सुबह सुबह घर आके सुकून से बंदा खाना ना खा के सुबह मसला करोगे वीक डे के अंदर प्रॉब्लम ये होती है सिर्फ के

बट आई वोट सी समाट दे कल बंग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग करी आप क्योंकि मुझे पता है इंडिया के गुड अच्छे स्पिनर खेलने वाले हैं आई वोट सी दैट कहाँ से आ गई उनको पता है आउट ही नहीं कर सकते वो मारेंगे हमें पकड़ के बस ऐसा ही है ना कुछ और साउथ अफ्रीका देखते हैं कैसा खेलता है यार साउथ अफ्रीका जीतेगा किस तरह से पहुंचे हैं? पहले तो वो ये भी सोच रहे होंगे वो सारी लक लेके ले पहुंचे हैं ना अब उनको आप, आप आप दिखाएंगे अपने। एक बार आपने सही करी कि शुरू में वो हमेशा दे के आते थे और आखिर में बेचारों की लक खराब होती थी, थी अब के भाई वो लक ले के आए लग रहा है कुछ मारक्रम अपनी लक लेके आया है मारक्रम भाई यही वही मारक्रम है तारीफ नहीं करूंगा अभी बाद में करूंगा हार्सन लेकिन भारत जो भी आए अफगानिस्तान आए या साउथ अफ्रीका दोनों वेल डिजर्व है दोनों अच्छी टीमें हैं और मज़ा आएगा मैच में नहीं डेफिनेटली और और और, होने चाहिए। बारिश नहीं होने चाहिए। नहीं यारैच में आई कि वो मैच हो क्योंकि इंग्लैंड भी फॉर्म में सर वो भी बता के आएंगे जिस तरह उन्होंने दस ओवर में सात ओवर में मैच खत्म किया था इंग्लैंड भी भाई इतना आसानी से इंडिया को नहीं देगा बड़ा अच्छा मैच होने वाला गुड गेम अगेन यू नो बेस्ट विशिट टू द बेस्ट टीम राइट मे द बेस्ट टीम मीनस बट कल का जो मैच है वो आपको बता देगा कि अगर बेस्ट अगर अफगानिस्तान फाइनल पहुँच जाता है सॉरी हिस्ट्री राइट देर कि एक टीम जो कि एक साल पहले ही शायद टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलना फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर उनका पहला वर्ल्ड कप था राइट right? वो जीतने के बाद जितना भागे हों वही <laughs> भागे होंगे <जाने। laughs> भागे जा रहे <laughs> भागे जा रहे <laughs> वो तो कल ही समझ में आ गया था कि <laughs> तो अरे इतनी कुछ जो एनर्जी हो बची होगी तो ट्वीट्स ट्वीट्स हुई हुई राशिद को आज इतनी है भाई मुझे वो लग रहा था वो खुशी इतनी खुशी बना ली उसने जैसे वो आर सी ने बनाई थी ना जीत के क्वालिफाई करके इतनी खुश हो गए थे <laughs> तो मैं तो लगेगा फील होगा ये <laughs> इतनी आ, 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 खुशी बना ली थी कि उसके उसके बाद मैच में सब गायब थे तो मुझे कुछ का ये है कि इतने इतनी यार इतनी। भाई आपको अगर याद होगा जब वेल आई गेस हम पहली बार से हम तो सेमीफाइनल फाइनल में पहली बार पहुंचे थे तो आपके जावेद मिजाज भी ऐसी भागते हुए दिखले थे और सारी टीम भागो बगर हम फाइनल में पहुंचे थे था। तुम किस किस से मिला दिया था, मैं मिला नहीं था <laughs> मैं क्या, आप खुशी और भागने पे बात कर रहा भा हूँ

आई डोंट नो मैन मतलब दिस इज़ वॉट यू हैव टू स्टेप अप एट दीज गेम्स अब तुम हमारे चंद जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने सुना मैंने ये बात पहले भी की थी कि वर्ल्ड कप में जो फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का उसमें हमको आपको चाहिए था रोहित एंड कोहली परफॉर्म करें ऊपर से लीड करें फ्रॉम दी फ्रंट जो नहीं हुआ था और आप मैच हार गए थे वो अला ऐसे बड़े मैचेस में भाई बड़े प्लेयर्स आपके दे हैव टू स्टेप इट अप वही हुआ कल जो है रोहित ने स्टेप अप किया और ऐसा स्टेप अप किया देखें उसने पूरी One टीम उसने पूरी टीम खड़ी हो गई मतलब भाई जब आपका जो मेन प्लेयर जब आगे बढ़ता है ना कैप्टन especially. कैप्टन आपका कैप्टन हो जो आपके मेन प्लेयर हैं दो बैट्समैन है दोनों मैच में।, मैच में कैप्टन ने परफॉर्मेंस दी है रोहित ने बैटिंग में दे दी राशिद ने बॉलिंग में बॉलिंग में दी तो आपके जो मेन प्लेयर जब स्टेप अप करते हैं ना भाई पूरी टीम में हिम्मत पड़ जाती है कोहली भाई की अभी अभी होपफुल होपफुली इंग्लैंड में शायद आ जाए goal, भाई. भाई हमें जो सुना था कि कोहली जो है एडवर्टाइज करने आ रहा है क्रिकेट की यूएस में अभी तक हम ही <laughs> कर रहे हैं <laughs> नहीं आ रहे तो होपफुली इंग्लैंड के खिलाफ कोहली भाई आप भी छा जाओ जरा मार दो 50 100 कुछ फिर सब सबकी हो जाएगी नहीं गायस वन सगैन बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिला और यू नो you know, अच्छा कांटे का सही फायर होने वाला है वन सगैन कीपिंग ऑफ फिंगर्स क्रॉस के मैच हो यार मैच देखना है भाई स्पेशली अब तो वीकेंड में की तरफ तो तो वीकेंड एंड ऑफ द वीक मैचेस आ रहे हैं तो देख भी लेंगे थोड़ा बहुत कुछ यार um, वरना तो हमें तो मैच देखने को भी नहीं मिल पाता इस तरह से मुश्किल हो सुबह के मैच तो ऑफिस में मुश्किल हो जाता है भाई देखना um, भारत फिर इन आप लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे कल के मैच के बाद सी ग्रीन जीतती है कि ब्लू शिराज भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं साउथ अफ्रीका के इस दफा लक लेके आई है मतलब कल बताएंगे बाक्रम के बारे में ये पहले <laughs> खत्म हो जाए <laughs> कल बताएंगे के बारे में। तो वहीं से शुरू करेंगे कल की एपिसोड के के बारे में पहले हाँ बताएं। नहीं चाहिए तो, मैच अच्छा होना चाहिए का और अफगानिस्तान हम शो दर्गना आई वंस अगेन आई होप सारी एनर्जी आपने कल ना निकाल दी भाई थोड़ा <laughs> थोड़ी सी गैस रखना है भाई ये ना वाटर में मिलता है <laughs> तो वंस अगेन गाइस अपना ख्याल रखिए फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है चले खुदा हाफिज़